नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते मैंने आज सभापति महोदय को, हम सब कांग्रेस पार्षदों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है। किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन कार्यालय में एक विधिक सेवा शिविर का आयोजन नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है, उसमें स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे वितरण का कार्यक्रम भी, ऐसी जानकारी मिली है। एक पत्र 18 तारीख को आयुक्त नगर परिषद ने जारी किया है, उसमें वहाँ एक विधिक शिविर में स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे वितरित किए जाएंगे, जबकि इस कार्यक्रम की सूचना किसी भी पार्षद को नहीं दी गई है और आयुक्त अपने स्तर पे कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका हम पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं कि ये गलत कार्य कर रहे हैं पार्षदों को। और सभापति महोदय से हमने कहा था, सभापति महोदय ने कहा मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, जबकि उन्हें एक प्रतिलिपि मिली है कि ये प्रोग्राम वहाँ आयोजित है। तो हम इसका विरोध करते हैं, स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे नगर परिषद किशनगढ़ के प्रांगण में ही वितरित किए जाए और इसका वहाँ से स्थगित किया जाए। कहाँ किया जा रहा है अभी कार्यक्रम? ये है अभी कहाँ कर रहे हैं? किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन कार्यालय में एक विधिक सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है, उसमें स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे वितरण करने का कार्यक्रम आयुक्त द्वारा एक पत्र जारी किया गया, उसकी सूचना किसी भी पार्षद को नहीं दी गई है। और हम ये चाहते हैं कि स्टेट ग्रांट एक्ट के पट्टे नगर परिषद में ही मिले और जब भी कोई कार्यक्रम हो उसकी सूचना सभी पार्षदों को दी जाए। इसके लिए हमने सभापति को ज्ञापन दिया है और आयुक्त महोदय को भी हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आपका नाम? राधेश्याम वैष्णव, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद किशनगढ़। सभापति जी, जो ज्ञापन दिया है किन मांगों का आज आपको ये ज्ञापन सौंपा? ये क्या मार्गदर्शन में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया था, मेरे को केवल एक प्रतिलिपि मिली है, मेरे को कोई व्यक्तिगत निमंत्रण नहीं है और ये कार्यक्रम नगर परिषद द्वारा नहीं बनाया गया है। और इसीलिए ये जो बंधुओं ने जो ज्ञापन दिया पार्षदों ने, मैंने आयुक्त महोदय को उससे अवगत करा दिया है और हम पार्षदों की और जनप्रतिनिधियों की और नेता प्रतिपक्ष की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद में ही ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है कि आपको इसकी जानकारी नहीं और कार्यक्रम वहाँ किया? तो जो जो देने वाले वो बता सकते हैं, मुझे कोई विधिवत निमंत्रण नहीं है इस कार्यक्रम का। एक सभापति है, आप सभापति होते हैं, आपको सूचना नहीं है तो नहीं है भैया, हम क्या कर सकते हैं, कोई निमंत्रण तो देखा जब आ जाएंगे। विधि का निमंत्रण नहीं है, सूचना आई है केवल कि वह पट्टे वितरित किए जाएंगे, न सभापति आमंत्रित है। अगर मुझे आमंत्रण मिलता तो मेरे पार्षद बंधुओं को सूचना करता और विधिवत हम जाते या नगर परिषद में उनको बुलाते। अब हमारी जानकारी नहीं है तो हम नगर परिषद परिसर में ही ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे।